आज की क्लास में हम विजुअल बेसिक का असाइनमेंट नंबर 9 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर कन्वर्शन कैसे करते हैं ऑप्शन बटन की सहायता से। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि टेम्परेचर कन्वर्शन का कुछ फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला पहले से हमारे पास है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला नंबर 1 है, और फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला नंबर 2 है, एंड सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला नंबर 1 है। ये दोनों फार्मूले को हम यूज करके अपना टेम्परेचर की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर की यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए ये दो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इस तरीके का एक फॉर्म डिज़ाइन रेडी किया है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें बोला गया है कि आप ऑप्शन बटन का यूज़ करिए, तो इन दोनों ऑप्शन बटन में से जो भी ऑप्शन बटन सेलेक्टेड होगा, जैसे ये सेलेक्टेड है तो सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पर अगर ये सेलेक्टेड है तो फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड की कैलकुलेशन होगी। अगर ये ऑप्शन बटन सेलेक्टेड है तो इनपुट में लिया गया टेम्परेचर, मान लीजिए मैं 60 ले रहा हूँ, तो इसको सेंटीग्रेड माना जाएगा क्योंकि सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट है, तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके यहाँ आउटपुट आएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है। ये इनपुट में सेंटीग्रेड है कि फ़ारेनहाइट है वो यहाँ से डिसाइड होने वाला है। चलिए आइए हम इसको कोड करते हैं ऑप्शन बटन का यूज़ करके। सबसे पहले मैं कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ, और सबसे पहला जो ऑप्शन है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, यानी ये वाली वैल्यू को हम सेंटीग्रेड मानेंगे। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फर्स्ट वाला। सेंटीग्रेड की वैल्यू दी है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मुझे इसको यहाँ पर इस बटन पर इम्प्लीमेंट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं कोड लिख देता हूँ, इफ़ ऑप्शन 1.वैल्यू इक्वल टू ट्रू। अगर ऑप्शन 1 की वैल्यू ट्रू है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने ऑप्शन बटन लिया है, और ये दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं होंगे। ऑप्शन 1 की वैल्यू अगर ट्रू है तो पहला वाला जो ये फॉर्मूला है ये कैलकुलेट होने वाला है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और सेम वैसे ही वेरिएबल का नाम भी ले लेते हैं, डिम एफ एस डबल। हमको टेम्परेचर जो है वो डबल में ले सकते हैं, डिम सी एस डबल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एफ और सी जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड उनका वैल्यू ले लिया है, और जो सी की वैल्यू है यहाँ पर हम देखेंगे कि सी की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी। अगर पहला वाला जो ऑप्शन बटन वो ट्रू है यानी वो सेलेक्टेड है, तो हम सी की वैल्यू लेंगे टेक्स्ट 1 से, और एफ की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। यहाँ पर जो x दिख रहा है इसके बदले हमको ये लेना है, सॉरी ये लेना है, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, x इनपुट के लिए दिखाया था। सेम फार्मूला मैंने लगाया है, और जो f की वैल्यू है उसको टेक्स्ट 2 में दे दिया है। ये f की वैल्यू उसमें चली गई, केस सेंसिटिव होने के कारण ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि किस तरीके से आउटपुट होता है, आउटपुट दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेंटीग्रेड की वैल्यू मैंने ली है मान लो 35, तो कन्वर्ट होके ये आ रहा है 95, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो गया। अब फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने नहीं किया है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सेम इसी कोड को कॉपी करते हैं, और सेम इसी कोड को कॉपी करने के बाद हम यहीं पर उसको पेस्ट कर देंगे जस्ट नीचे में। तो यहाँ पर दो बार डिम एफ और सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार हम यहाँ पर लिख चुके हैं। केवल यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शन 2.वैल्यू, और यहाँ पर जब अब सी की वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पर जो टेक्स्ट 1 से वैल्यू होगी वो एफ़ की वैल्यू होगी, और ये फार्मूला जो है रिप्लेस हो जाएगा। सेकेंड वाला फार्मूला जो है उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर ध्यान देना एक्स लिखा हुआ है उसको हमको रिप्लेस करना है, क्लियर है। तो एक्स को हम ऐसा रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर सी की वैल्यू हम दे देंगे, यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमने इनपुट में ली, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया और यहाँ पर दे दिया। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है।
अगर मैं बोलूं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहा हूँ या 100 फ़ारेनहाइट दे रहा हूँ, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जब हमें फीवर होता है तो 100 का फीवर है बोलते हैं, तो असल में वो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाकर नापेंगे तो 37.777 जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि थोड़ा सा फीवर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हल्का फीवर हमको यहाँ पर है। सेम वैसे ही हम अगर इसको सेंटीग्रेड की वैल्यू माने तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा। इस तरीके से टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपने फॉर्मूले से। एक बात और ध्यान देने लायक है कि एक ऐसा टेम्परेचर वैल्यू होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है। ये फिजिक्स में आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बिल्कुल -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो या सेंटीग्रेड हो। तो इस पॉइंट पर दोनों ही टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हुआ है। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर, रिजर्व बेसिक का असाइनमेंट नंबर 9 था।